रात को जब नील कमरे में आया तब मीरा एक पेपर पर कुछ लिख रही थी। नील ने एक नजर उसे देखा तो वहीं मीरा अपने में ही व्यस्त थी। नील सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। मीरा खुद से बोली, बाबा जी मेरी जिंदगी में कुछ तो अच्छा कर दिया करो। वैसे तो दिमाग दौड़ता रहता है, जो नहीं सोचना वो सोचती रहती हूँ, पर अभी हाय रब्बा मीरू सोच कुछ। नील उसकी बातों को सुन रहा था। तभी मीरा एकदम से खुश हो गई और फिर से लिखने लगी। कुछ देर बाद वो खड़ी होकर पीछे घूमी तो उसकी नजरें सीधे नील पर पड़ी। मीरा घबराते हुए बोली, तुम कब आए? नील उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, जब तुम बाबा जी को कोस रही थी। मीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप आकर खिड़की के पास बैठ गई। उसकी नजरें चांद पर थी। नील ने मीरा का जवाब ना पाकर सामने देखा। मीरा वहां ना होकर खिड़की के पास थी। नील मन में बोला, इसे क्या हुआ, बिना जवाब दिए ही चली गई। मीरा अब भी वहां बैठी थी। उसके दिमाग में एक बार फिर नील चल रहा था। तभी उसका फोन बजा। ये कॉल शरद का था। मीरा ने कॉल रिसीव की तो शरद मुस्कुराते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। मीरा धीरे से बोली, थैंक यू। शरद बोला, क्या हुआ, इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? मीरा बोली, कुछ नहीं, तुम बताओ कैसे हो? इतना बोलकर मीरा खामोश हुई तो नील की नजरें मीरा पर चली गई। फोन पर शरद बोला, गुड यार मीरा, थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। मीरा बोली, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। शरद हिचकिचाते हुए बोला, पर मैंने जो किया वो, आई एम सॉरी, पर मीरा रियली मैं बस। शरद हिचकिचा रहा था तभी मीरा बोली, अरे मुझे पता है सब, पुरानी बातें छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी जो होना था वो तो हो चुका। कुछ देर बाद मीरा ने कॉल काट दी। उसका ध्यान फिर से नील पर गया। वो उठकर नील के पास आ गई। मीरा ने पूछा, क्या कर रहे हो? नील बिना उसकी ओर देखे ही बोला, कुछ काम है। मीरा नील को देख रही थी। नील अपने काम में लगा था। नील ने जैसे ही सामने देखा मीरा की नजरें उस पर थी। वो एक टक उसे देखने लगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों के सामने पुरानी यादें आने लगी। एकदम से दोनों होश में आए। मीरा खुद पर हैरान थी। वो उठने लगी तभी नील को जानवी की बातें याद आई। वहीं मीरा को इस वक्त नील और जानवी का साथ होना याद आ रहा था। वो सोफे से उठकर दो कदम चली कि उसके कदम रुक गए, क्योंकि नील ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मीरा ने पलट कर देखा। नील ने पूछा, कुछ हुआ है? मीरा बोली, नहीं तो। नील ने इतना सुनकर मीरा को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो एकदम नील के करीब आ गई। नील एक टक मीरा को देख रहा था और मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। मीरा नजरें चुराने लगी। नील ने पूछा, क्या हुआ, आज पूरे दिन अकेली क्यों थी? मीरा नील को देखने के बाद बोली, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। नील थोड़ी नर्म आवाज में बोला, क्यों, कोई प्रॉब्लम है मुझसे, वाइफी? मीरा नील की आंखों में देखने लगी। नील भी उसे ही देख रहा था। नील कुछ देर बाद फिर शांत लहजे से लेकिन प्यार से बोला, बोलो ना, वैसे तो इतना बोलते हो पर जब मैं कुछ पूछता हूं तो कुछ बोलते ही नहीं। मीरा हैरानी से नील को देख रही थी। वो कुछ नहीं बोली तो नील ने उसे अपने थोड़ा और करीब कर लिया, जिससे मीरा की धड़कनें और बढ़ गई। नील दोबारा प्यार से बोला, बोलो। मीरा घबराने लगी और वो घबराते हुए ही बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मीरा उठने लगी और नील से दूर जाने की कोशिश करने लगी। नील उसे देख रहा था कि एकदम उसकी नजर घड़ी पर गई। उसने मीरा को फिर से अपने करीब खींच लिया। मीरा एक बार फिर उसके एकदम पास थी। नील मीरा के कान के पास धीमी आवाज में बहुत ही प्यार से बोला, हैप्पी बर्थडे वाइफी। मीरा की आंखें बंद हो गई।
उसे अब भी नील की आवाज महसूस हो रही थी। नील ने जिस तरह से कहा था वो एहसास मीरा अब भी महसूस कर रही थी। नील मीरा को देख रहा था, फिर उसके हाथ मीरा की तरफ बढ़ गए। उसने मीरा के बालों की लटों को पीछे किया। मीरा की धड़कन बढ़ रही थी, मीरा की आंखें अभी भी बंद थी। तभी नील को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था। मीरा ने भी अपनी आंखें खोली और नील ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए। मीरा धीमी आवाज में बोली, थैंक यू। नील मीरा को देखे जा रहा था, मीरा भी उसे देख रही थी। तभी मीरा का फोन बजा। नील ने उसे छोड़ दिया। मीरा ने फोन उठाकर कॉल रिसीव की। फोन पर आवाज आई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीरू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मीरा के फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि ये आवाज उसके पूरे परिवार की थी। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। युवी ने कहा, सॉरी 2 मिनट लेट हो गए। विशु बोली, बट आई एम श्योर सबसे पहले हमने ही विश किया। मीरा को नील का विश करना याद आ गया, वो नील को देखने लगी। मीरा शांत लहजे में बोली, तभी राजेश जी अब बोले, प्रिंसेस हम आ सकते थे पर इतनी रात को। कि मीरा मुस्कुराते हुए बोली, चाचू विश कर दिया ना, बस इतना बहुत है। तभी मीरा के पापा ने कहा, ओ मतलब अब मेरी प्रिंसेस को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए पापा से। मीरा चिढ़ कर बोली, सोचेगा भी मत क्योंकि मुझे चाहिए। आई नो पापा आपने कुछ स्पेशल सोचा होगा हर बार की तरह। ये सुनकर रितेश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शांति जी माथा पीटते हुए बोली, तू नहीं बदल सकती। विभा जी मीरा के बोलने से पहले ही बोली, बिल्कुल नहीं दीदी। मीरा मुस्कुरा उठी और बोली, लव यू चाची। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद मीरा ने कॉल कट कर दी। फिर उसने नील की ओर देखा, वो उसी को देख रहा था। मीरा थोड़ा घबराते हुए बोली, कि क्या हुआ? नील मन में बोला, पता नहीं बस हो गया, जो हुआ गलती से। नील कुछ नहीं बोला तो मीरा दोबारा बोली, ओके गुड नाइट, तुम भी सो जाओ मिस्टर हस्बैंड। मीरा इतना बोलकर बेड की तरफ आई और तकिए बीच में लगाकर एक तरफ लेट गई। मीरा मन में बोली, आज पहली बार किसी ने मुझे बर्थडे वाले दिन मेरी फैमिली से पहले विश किया। मीरू ये मिस्टर खन्ना बहुत ज्यादा अजीब होता जा रहा है, पर आई लव इट। आई मीन उसके विश करने पर बहुत खुशी हुई, उसके पास आने पर अच्छा लगा। क्या मैं भी ना, नहीं लेकिन बहुत टाइम से फील हो रहा है। आई मीन मैं ना हमेशा इसके सामने ही गिरती पड़ती रहती हूँ और ये हमेशा बचा लेता है या खुद भी मेरे कारण गिर जाता है। मीरा चुप हो गई और उठकर पानी का ग्लास उठाकर पानी पीने लगी। नील उसके बगल में दूसरी तरफ सोया हुआ था। मीरा एक टक उसे देखने लगी। मीरा नील को देखते हुए बोली, तुम ना पहले इंसान हो जिसे देखकर मेरी नजरें तक नहीं हटती, जिसके पास होने से मुझे इतना अच्छा लगता है, जिसके दूर जाने से फर्क पड़ता है। तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती, इनफैक्ट नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा सिर्फ मैं इमेजिन कर सकती हूँ पर मेरे साथ हो रहा है। आई फील मिस्टर हस्बैंड, आई फील दैट आई लव यू। मीरा ये बोलकर चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई। उसने नील को देखा और फिर अपनी जगह पर सो गई। अगली सुबह मीरा रेडी हो रही थी। उसने लाइट ग्रीन फुल लेंथ सूट पहना था। बीच से कटिंग के कारण उसका पेट दिख रहा था और साथ में सेम कलर की लेगिंग्स और दुपट्टा डाला था। वो अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। तभी विशु की आवाज आई जिससे मीरा ऐसे ही नीचे चली आई। नीचे सब लोग इकट्ठा थे, सबने मीरा को विश किया। मीरा मुस्कुराई और उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद सब मंदिर के लिए निकल गए। सब मंदिर पहुंचे तो मीरा सीढ़ियों के पास झुकी और हाथ से छूकर सर पर लगा लिया। मीरा मन में बोली, माता रानी
सबको खुश रखना। नील उसे देख रहा था। सब ऊपर चले आए और मंदिर में आकर सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, पूजा की सारी तैयारियां हो गई है, मीरा बिटिया आगे आओ। मीरा ने आगे जाकर पंडित जी के पैर छुए तो सब मुस्कुराए। नील बस मीरा को ही देख रहा था। पंडित जी मुस्कुराकर मीरा को आशीर्वाद देते हुए बोले, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। इतना सुनते ही मीरा की नजरें नील पर चली गई। नील भी उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें टकराई तो दोनों ही दूसरी ओर देखने लगे। सिम्मी जी ने कहा, पंडित जी पूजा शुरू करवाइए। पंडित जी विनम्रता से बोले, जी। सब नीचे लगे गद्दों पर बैठने लगे। मीरा को हवन कुंड के पास बैठना था तो वो उस ओर बढ़े। तभी पंडित जी बोले, एक मिनट। उनकी आवाज सुनते ही मीरा के कदम रुक गए। बाकी सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े ही रह गए। शांति जी थोड़ा परेशान होकर बोलती हैं, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी मीरा को देखते हुए बोले, मीरा बिटिया तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है पर मांग में सिंदूर नहीं है। मीरा को अब ध्यान आया, वो सिंदूर लगाना भूल गई। मीरा धीरे से बोली, वो मैं लगा रही थी पर भूल गई, मैं लगा लेती हूँ। इतना कहकर मीरा ने पूजा के सामान में से सिंदूर की डिब्बी उठाई। तभी शारदा जी बोली, रुक जा बेटा। और फिर वो नील को देखते हुए बोली, नील इधर आ। जानवी नील को देख रही थी। नील शारदा जी के पास आया। नील शारदा जी को देखते हुए बोला, जी नानी माँ। शारदा जी मुस्कुराते हुए कहती है, मीरा की मांग भर दे। मीरा ने नील को देखा। नील को कल रात की बातें याद आने लगी। मीरा को भी वही बातें और नील का उसके करीब आना याद आ रहा था। जानवी उसे देख रही थी। बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। विशु के चेहरे पर खुद ज्यादा ही खुशी थी। नील मीरा के पास आया और उसके हाथ में रखी सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर लेकर मीरा की मांग भर दिया। एक पल को मीरा की आंखें बंद हो गई। मीरा ने अपनी आंखें खोली। जानवी की नजरें उन दोनों पर ही थी। जानवी मन में ही बड़बड़ाई, नो नील यू डोंट लव हर, आई नो यू डोंट लव हर। शांति जी माता रानी की मूर्ति देखते हुए बोली, माता रानी बस मेरी बच्ची को खुश रखना, अब कोई और परेशानी मत देना। नील मीरा की मांग भर चुका था। वो अब वापस जाने लगा कि पंडित जी उसे रोकते हुए बोले, रुको बेटा। नील के कदम रुक गए। वो उनकी ओर पलटा तो पंडित जी सिम्मी जी से बोले, सिम्मी जी ये पूजा मीरा के लिए ही है, पर मेरा मानना है दोनों को जोड़े में बैठना चाहिए। ये सुनकर मीरा और नील एक दूसरे की ओर देखने लगे। तो वहीं पंडित जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, वैसे भी अब दोनों की तकदीर, भविष्य और दोनों की जिंदगी जुड़ चुकी है। सिम्मी जी थोड़ा हिचकिचाने लगी क्योंकि ये पूजा उन्होंने मीरा के लिए रखवाई थी। उन्हें लग रहा था कहीं मीरा के परिवार वालों को एतराज ना हो। सिम्मी जी बोली, पंडित जी वो। सिम्मी जी की बात पूरी होती उससे पहले ही शांति जी बोली, सिम्मी पंडित जी ठीक कह रहे हैं। नील मीरा अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। नील मन में बोला, सब कुछ जुड़ गया पर फिर भी इतना कंफ्यूजन भरा रिश्ता है ये। मीरा और नील साथ में पूजा के लिए बैठ गए। पूजा शुरू हो गई। जानवी बस मीरा और नील को देख रही थी। तो वहीं बाकी सब खुश थे। मीरा मन में बोली, माता रानी प्लीज अब ज्यादा कंफ्यूजन मत करो। नील मन में बोला, बस अब उलझनों को दूर कर दीजिए। पूजा के बाद सब वापस घर के लिए निकल आए। आज मीरा खुश थी। पूरा दिन बहुत अच्छा रहा। वो बस रात की पार्टी के लिए एक्साइटेड थी जो कि रात को खुराना हाउस में थी। क्योंकि रितेश जी और पूरा परिवार मीरा के लिए कुछ करना चाहते थे तो सब पार्टी के लिए मान गए थे। रात को सब पार्टी में थे। पूरा खुराना हाउस बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था। गोल्डन लाइट्स, गोल्डन एंड ब्लैक बलून्स, पूरे हॉल में गोल्डन और ब्लैक डेकोरेशन था। सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। पूरा डेकोरेशन बहुत अच्छा था। सबकी ड्रेस थीम गोल्डन और ब्लैक ही थी। अभी सब बर्थडे गर्ल का वेट कर रहे थे। तभी मीरा विशु के साथ सबके बीच में आई।
मीरा ने ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, बालों का जूड़ा बनाया था और कुछ लटे चेहरे पर आ रही थी। चेहरे पर लाइट मेकअप किया था और होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक लगाई थी। उसने आंखों में काजल लगाया था। मीरा बहुत सुंदर लग रही थी। मीरा के गले में मंगलसूत्र था और मांग में सिंदूर लगा हुआ था। नील की नजरें बार बार मीरा पर ही जा रही थी। जानवी भी नील के साथ ही थी और ये देखकर मीरा को अच्छा नहीं लग रहा था। पार्टी शुरू हो गई, सब मीरा को विश कर रहे थे। फिर केक कटिंग हुई, उसके बाद सब उसको गिफ्ट्स दे रहे थे। रितेश जी मीरा के पास आए और गिफ्ट उसे थमा दिया। इस वक्त वहां सिर्फ मीरा ही थी। रितेश जी मीरा को समझाते हुए बोले, मेरी बेटी बहुत समझदार है, पर हर बार की तरह इस बार भी एक बात है जो मुझे बतानी है। मीरू बेटा, मीरा के ऊपर स्पॉटलाइट थी, सब एकटक उसी की ओर देख रहे थे। तभी एक आवाज आई, हैप्पी बर्थडे मेरी मीरू, तू जिंदगी है मेरी, मैंने तुझसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं किया, तू ना अपने वीर जी की जान है, जब से तू हमारी लाइफ में आई है सब कुछ बदल गया है, इस घर की जान, हम सबका मान है तू, आई लव यू मोटी। एक लाइट के नीचे युवी था जो ये सब बोल रहा था। मीरा इमोशनल हो गई। फिर युवी के मोटी कहने पर मीरा ने मुंह बना लिया। युवी मीरा को देखकर पहले हंसा और फिर दोबारा प्यार से बोला, पहले ये गिफ्ट तेरे वीर जी की तरफ से। तभी सामने लगी वॉल पर लाइट्स फिक्स हुई और एक वीडियो चलने लगी जिसमें मीरा के इस घर में आने से लेकर अब तक की फोटोज थी जो उसके लिए एक खूबसूरत याद थी। मीरा ये देखते हुए कभी स्माइल कर रही थी तो कभी इमोशनल हो रही थी। वीडियो खत्म हुआ। युवी दोबारा मीरा को देखते हुए बहुत प्यार से बोला, तो ये था मेरी मीरू का बचपन, उसकी यादें। मीरू, तू बस मेरे लिए नहीं सबके लिए स्पेशल है। मीरा युवी को देख रही थी, देख क्या घोर रही थी। तभी युवी मुस्कुराते हुए आगे बोला, तू जान है मेरी। आई होप बर्थडे गिफ्ट पसंद आया होगा और नहीं आया तो सॉरी, हो सकता है मैंने समझने में गलती कर दी हो। मीरा भागकर युवी के गले लग गई। सारी लाइट्स ऑन हो गई, सबकी नजरें दोनों पर थी। कुछ आंखें नम भी थी तो कुछ दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मीरा युवी को हक किए हुए ही बोली, डॉरी यकीन नहीं हो रहा था कि ये नील ही है। तभी नील ने प्यार से कहा, तो पहनने में प्रॉब्लम क्या, इयररिंग सूट करती है तुम पर, पहना करो। नील की ये बात याद आते ही वो मुस्कुराने लगी। मीरा नील के बारे में सोच रही थी। आज जो नील ने किया वो कहीं ना कहीं उसे अच्छा लग रहा था। वो ना चाहते हुए भी नील के बारे में ही सोच रही थी। कुछ देर में पूरे हॉल में अंधेरा हो गया। सब लोग इधर उधर देखने लगे। तभी एक स्पॉटलाइट मीरा पर पड़ी और एक जानी पहचानी आवाज आई, मेरी दुनिया मेरी खुशियां हो आप, मेरी दुनिया मेरी खुशियां हो आप, रब को मानती हूं पर मेरे लिए रब से भी बड़े हो आप, पापा मेरे लिए रब से भी बड़े हो आप। ये सुनकर युवी और बाकी सब स्माइल करने लगे। रितेश जी की आंखें नम हो गई। मीरा आगे बोली, मां की छोटी छोटी डांट से बचाते हो आप, पर बड़ी बड़ी बातें बड़ी आसानी से मुझे समझाते हो आप पापा, बड़ी बड़ी बातें मुझे समझाते हो आप, मुझे अपना अभिमान कहते हो आप, पर मेरी पहली पहचान हो आप पापा, मेरी पहली पहचान हो आप, मुश्किल की घड़ी में अपने होने का एहसास दिलाते हो आप, मेरी सबसे बड़ी हिम्मत मेरी ताकत हो आप पापा, मेरी हिम्मत मेरी ताकत हो आप, मतलब से भरे इस जहां में हमेशा मेरे साथ हो आप,
जानते हूँ मेरी छोटी सी छोटी मुश्किल बड़ी से बड़ी परेशानी में मेरे साथ हो आप। पापा, जानती हूँ हमेशा मेरे साथ हो आप। जो आपको बयां करे अल्फाज नहीं मेरे पास, बस इतना कहूंगी रब को मानती हूँ पर मेरे लिए रब से भी बड़े हो आप। पापा, मेरे लिए रब से भी बड़े हो आप। मीरा चुप हुई तो सब तालियां बजाने लगे। रितेश जी की आंखें नम हो गई थी, तभी सारी लाइट्स ऑन हुई। मीरा घड़ी की ओर देखते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे पापा। सब रितेश जी को विश करने लगे, तभी मीरा केक लेकर आई। रितेश जी ने केक कट किया। मीरा खुश होकर बोली, हैप्पी 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 बर्थडे पापा। वो रितेश जी के गले लग गई। रितेश जी मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू माय प्रिंसेस। तभी युवी बोला, सो बड़े पापा, मीरू ने इस बार भी स्पेशल कर ही दिया। युवी की बात सुनकर रितेश जी मुस्कुराए और बाकी सब भी मुस्कुराने लगे। मीरा बहुत खुश होकर बोली, इस बार भी मैंने ही सबसे पहले आपको विश किया। रितेश जी ने कहा, ये पता ही था। सब वापस घर आ गए। जानवी मीरा के बारे में ही सोच रही थी। जानवी मन में बोली, ये मीरा के भाई ने जो कहा वो सब कुछ तो अजीब है। इधर खुराना हाउस में विशु कमरे में थी कि तभी युवी वॉशरूम से बाहर आया। उसकी नजर विशु पर गई जो अपने गाउन की जिप खोलने की कोशिश कर रही थी। युवी उसके पास आया और उसने जिप खोल दी। विशु युवी को देख रही थी। युवी बोला, जा चेंज कर ले। विशु ये सुनकर चली गई। कुछ देर में वो वापस आई। युवी अभी भी वहीं खड़ा था। विशु चुपचाप जाने लगी तो युवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। युवी ने पूछा, क्या हुआ है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। विशु शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए बहुत प्यार से बोली, बस अपने चैलेंज के बारे में सोच रही हूँ। युवी को विशु की बातें याद आने लगी। वो मुस्कुराने लगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, तू नहीं सुधरेगी ना। विशु युवी की आंखों में देखते हुए बोली, तुम कहोगे तो सुधर भी जाऊंगी। युवी विशु की बातें सुनकर जाने लगा तो विशु पीछे से बोली, पत्नी हो तुम्हारी, मुझसे प्यार भी करते हो फिर भी इतनी दूरी। विशु की बात सुनकर युवी उसकी ओर देखते हुए कहता है, तू जानती है। विशु ने बहुत ही अदब से कहा, तो मैं भी देखती हूँ कब तक भागते हो मुझसे। युवी मुस्कुराते हुए बेड पर आकर लेट गया। विशु भी कुछ देर में उसके पास आई। उसने युवी को देखा। युवी सो चुका था तो विशु ने उसके गालों पर किस कर लिया। विशु मुस्कुराते हुए बोली, मेरे लिए तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो पर मैं इतनी छोटी भी नहीं हूं। युवी, हम हस्बैंड वाइफ है, तुम भी मेरे क्लोज आना चाहते हो पर खैर मैं अपना चैलेंज तो पूरा करके रहूंगी। विशु की बात सुनकर युवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इधर मीरा सारे गिफ्ट्स देख रही थी और नील सो चुका था। तभी मीरा ने रितेश जी का गिफ्ट देखा। गिफ्ट देखते ही मीरा हैरान रह गई। उसमें उसकी और नील की शादी वाली एक फोटो फ्रेम थी और साथ में एक पेपर भी था। मीरा ने वो पेपर देखा और फिर उसे खोल कर पढ़ने लगी। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। मेरी मीरू बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट है। पापा की प्रिंसेस पापा की जान है। बच्चा तुम बहुत समझदार हो और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, पर हर बार की तरह इस बार भी एक बात है जो तुम्हारे पापा तुम्हें बताना चाहेंगे। मीरू, तुम सारे रिश्ते अच्छे से निभाते हो पर बेटे रिश्तों को निभाने से पहले समझना होता है। मीरू समझो, सब समझने की कोशिश करो। वक्त कब हाथों से निकल जाए कुछ कह नहीं सकते, इस बात को हमेशा संभाल कर रखना। पापा लव्स यू माय प्रिंसेस। मीरा की आंखें नम हो गई। उसने एक नजर नील को देखा और फिर उस फोटो फ्रेम को टेबल पर रख दिया। मीरा नील को देखते हुए मन में बोली, मैं इस रिश्ते को समझकर भी शायद समझ नहीं पा रही। थैंक यू पापा आपकी इस सीख के लिए।
वो नील को देख रही थी जो आराम से सो रहा था। उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। मीरा ने नील को सही से ब्लैंकेट उड़ाया। उसे एकदम से नील का इयररिंग पहनाना और उसकी बातें याद आने लगी। मीरा मुंह बनाते हुए नील को देख कर बोली, मिस्टर हस्बैंड, कभी कभी तुम ना मुझे बहुत कंफ्यूज कर देते हो। इतना बोलकर मीरा शांत हो गई। वो नील की ओर देखने लगी। नील सोया हुआ था और मीरा उसे निहार रही थी। मीरा अभी भी नील को एक टक ही देखे जा रही थी। फिर न जाने उसे क्या सोचा, उसने बीच में रखे तकिए हटा दिए और अपनी जगह पर आकर सो गई। अगली सुबह जब नील की आंख खुली तो वो बीच में तकिए ना देखकर थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर मीरा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नील बहुत गौर से मीरा को देखता रहा, फिर वो उठकर फ्रेश होने चला गया। जानवी भी उठ चुकी थी। वो टेरिस पर बैठी हुई थी और खुद से ही बातें कर रही थी। जानवी खुद से बोली, सबसे पहले ये जानना है कि नील ने शादी क्यों की। उसके बाद जो करना होगा वो मैं देख लूंगी। मैं नील को हर्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए डायरेक्टली उससे नहीं पूछ रही। खैर, पता तो लगा ही लूंगी। नील, आई एम सॉरी, पर मेरे लिए तू ही सब कुछ है। तेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ इस शादी की वजह प्यार तो नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर बस हम दोनों साथ रहेंगे, सिर्फ हम दोनों। जानवी कुछ सोचने लगी। तो क्या सोच रही है जानवी, क्या करेगी वो? मीरा और नील की बढ़ती नजदीकियां और बढ़ेंगी या जानवी कर देगी कोई वार? क्या होगा इनके रिश्ते का? कैसे इस अनचाही शादी में होगा प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज ओनली ऑन पॉकेट एफएम।